एकदम बढ़िया लग्जीरियस इंटीरियर के साथ एक बड़ा सा टू बेडरूम प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट आया है सेल के लिए। इस अपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए का लग्जीरियस इंटीरियर हो रखा है। अपार्टमेंट और उसकी डिटेल्स को देखेंगे। सबसे पहले सोसाइटी और लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। चार मूर्ति से 5 मिनट के डिस्टेंस पे इस 60 मीटर रोड की दूसरी साइड नोएडा एक्सटेंशन में आने वाला गौर सिटी 2 के अंदर हमारी सोसाइटी प्रिस्टीन एवेन्यू आ जाती है, फुली ऑक्यूपाइड सोसाइटी हो जाती है। चलते हैं सोसाइटी के अंदर। ऑलराइट, ये थी हमारी लोकेशन और हमारी सोसाइटी के इस टावर के अंदर इसके ऊपर के फ्लोर पे आज का हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। फटाफट पहले टावर की लॉबी देख लेते हैं। तो ये थी हमारे टावर की लॉबी। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर। सो करेंटली वी आर इन लिफ्ट। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें वो 19 हो जाता है और हमारा फ्लोर 13, मतलब मिडल वन। और अपने फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1, 2 और ये 3 लिफ्ट हो जाता है पॉप फ्लोर। 3 अपार्टमेंट हमारे उस विंग में आ जाते हैं और 3 अपार्टमेंट हमारे इस विंग के अंदर। और आज का हमारा जबरदस्त अपार्टमेंट ये वाला हो जाता है। सो हियर कम्स अ ब्यूटीफुल विद लेविश इंटीरियर 2 बेडरूम प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट। बाहर भी बहुत बढ़िया काम करा है, एक बार नजर मार लीजिए। तो एंट्रेंस के दोनों वॉल्स पे आपको वुडन टाइल्स मिल जाते हैं, ऊपर की साइड सीलिंग लाइट और सामने मजबूत मेटल का गेट, एक बढ़िया सा मजबूत मेटल गेट। और डबल सिक्योरिटी के लिए आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक वुडन गेट मिल जाता है। कंडीशन काफी बढ़िया है। सो हम आ गए हैं अपार्टमेंट के अंदर। फ्लोर आपको पता चल गया। अब बात करें इस अपार्टमेंट के एरिया की, वो 1245 स्क्वायर फीट हो जाता है। और ये हमारे अपार्टमेंट का 12x16 का स्पेशियस लिविंग एरिया। हैव दिस ब्यूटीफुल लुक। तो ये हमारा प्यारा सा लिविंग एरिया हो जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। वहाँ पे हमारा फर्स्ट रूम, उसके आगे हमारा सेकंड रूम और यहाँ पे हमारा थर्ड रूम और स्टडी रूम आ जाता है। और स्टडी रूम से पहले यहाँ पे हमारा बढ़िया सा टीवी पैनल आ जाता है। अब अपने इस फ्लैट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने अपार्टमेंट के फर्स्ट रूम से और हमारे स्टडी रूम से। सो हियर कम्स अ स्टडी रूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। 8x9 का डायमेंशन हो जाता है। ओनर ने इस रूम के अंदर बढ़िया सा वुडन वार्डरोब बनवा रखा है और करेंटली ये इसको एज अ पूजा रूम यूज कर रहे हैं। तो आपको एक डिसेंट स्पेस मिल जाता है इस रूम के अंदर। नाउ बैक टू अवर लिविंग एरिया। वहां पे हमारे अपार्टमेंट का एक मॉडिफाइड सेक्शन आ जाता है। बेसिकली ओनर ने लिविंग एरिया की बालकनी को पूरा लिविंग एरिया के अंदर ले लिया। पास चल के दिखा देता हूँ। ये बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है, जिसको ओनर ने पूरा मॉडिफाई कर दिया। लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है और व्यू भी काफी बढ़िया मिल जाता है। अभी शाम का टाइम हो गया है, एक बार फटाफट आपको विंडो खोल के व्यू दिखा देता हूँ। सो दिस विंडो कम विद दिस व्यू। तो ये था हमारे अपार्टमेंट का पहला मॉडिफाइड सेक्शन, जिसको मॉडिफाई करके ओनर ने पूरा लिविंग एरिया के अंदर ले लिया है। लिविंग एरिया में वेंटिलेशन, सनलाइट, स्पेस सब बढ़िया मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपने अपार्टमेंट के पैरेलल प्लेटफॉर्म की किचन की। वॉल्स पे काफी बढ़िया वुडवर्क मिल जाता है। और बात करें अपने किचन में स्पेस की, 7.5x8 का डायमेंशन आ जाता है। सो इट्स अ फुली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन। चिमनी के साथ पैरेलल प्लेटफॉर्म पूरा कंप्लीट मिल जाता है और हमारे किचन के साथ अटैच यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। बढ़िया वेंटिलेशन, सनलाइट मिलने वाला है एंड ऑल्सो दैट्स अवर फर्स्ट बालकनी। बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है। दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। तो सामने हमारा स्विमिंग पूल आ जाता है, वहाँ पे हमारा क्लब हाउस और नीचे हमारा ग्रीन एरिया, पार्क और एमिनिटीज। ये बढ़िया सा व्यू मिल जाता है आपको। और इस बालकनी में ओनर ने वुडवर्क भी काफी बढ़िया करा रखा है। तो ये हमारी यूटिलिटी बालकनी हो जाती है और ये हमारा फुली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन। सारे प्लेटफॉर्म जबरदस्त बने हुए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अगले सेक्शन की तरफ, हमारे अपार्टमेंट का सेकंड रूम। सो हियर कम्स अवर सेकंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। हमारे इस रूम के डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन 11x10 का हो जाता है। रूम के अंदर एक बड़ा सा वुडन वार्डरोब मिल जाता है। और बात करें रूम के एक वॉल पे, वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा वॉलपेपर मिल जाता है और वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है। फटाफट चलते हैं अपनी बालकनी के पास। और हाँ, दैट्स आल्सो अवर सेकंड बालकनी ऑफ दिस अपार्टमेंट। ग्लास डोर को ओपन करते हैं। सो दैट्स अवर सेकंड बालकनी एंड इट्स अ 5 फीट वाइड बालकनी विच कम विद दिस व्यू। तो डेट वॉज अवर सेकंड बालकनी। प्रॉपर धूप और वेंटिलेशन मिलने वाला है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही रूम से बाहर निकलेंगे, हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट वॉशरूम और हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। सो हियर कम्स अवर फर्स्ट एंड कॉमन वॉशरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। डायमेंशन 8x5 का हो जाता है। और इस वॉशरूम के जस्ट बगल में हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और थर्ड रूम आ जाता है और हमारा मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। 12x11 का डायमेंशन हो जाता है। हमारे इस रूम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे बढ़िया सा वार्डरोब मिल जाता है और यहाँ पे बढ़िया सा टीवी पैनल मिल जाता है।
तो ये हमारा टीवी पैनल हो जाता है, वहाँ पे हमारा बढ़िया सा वुडन वार्डरोब मिल जाता है और इट्स अ स्लाइडिंग वार्डरोब, और वहाँ पे हमारे रूम के साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसके वुडन गेट को ओपन करते हैं, सो दैट्स आवर सेकंड वॉशरूम, डायमेंशन 8x5 का हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट सेक्शन, लेकिन वेट वेट, अभी अपार्टमेंट का एक मॉडिफाइड सेक्शन बचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इस बालकनी की, जिसको ओनर ने मॉडिफाई कर दिया है। ओनर ने इस बालकनी को पूरा रूम में मिला दिया है और एक बढ़िया सा वुडन ड्रेसिंग एरिया बना दिया है। काफी बढ़िया फर्नीचर का काम कराया गया है। रूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए सामने विंडो मिल जाता है, विच कम विद दिस व्यू। तो ये था हमारा एकदम बढ़िया सा अपार्टमेंट। अब बात करते हैं टू बेडरूम प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट के डिमांड की। सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज 70 लाख। इफ इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, और अपकमिंग डील्स के लिए फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।